तो गाइस सबसे पहले हम गूगल में चले जाएंगे, फिर यहाँ पे सर्च नाम का एक आइकन दिखेगा, आपको भी पता है और सबको भी पता है हमें वहाँ पे जाके सर्च करना है। सर्च क्या करना है, तो सर्च आपको वहाँ पर ये करना है रिमूव बीजी। तो समझो हमने सर्च ही कर दिया, तो आपके आगे इस टाइप का एक आइकन समझो या वेबसाइट खुल जाएगा, हमें उस वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, या समझो कोई वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें अपलोड इमेज करना है। अपलोड इमेज करने के बाद यहाँ पे नीचे बहुत सारी फ़ोटो है, तो मैं समझो इस फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का अपलोडिंग होगा, एक 2 सेकंड या 5 सेकंड का होगा, इसके बाद आपकी फ़ोटो दिख जाएगी। तो ऐसा ही वेट करो 1-2 मिनट। वेटिंग कंप्लीट हुआ, देखिए गाइस कुछ इस तरह का आपका फ़ोटो रिमूव हो जाएगा, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा इस तरह का कुछ। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा फ़ोटो के राइट साइड लेफ्ट साइड में नीचे से, तो डाउनलोड तो हमें उस पर करना है, क्या क्लिक करना है और यहाँ पे वेबसाइट है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में SD कार्ड है तो हम यहाँ से दोनों भी कर सकते हैं, इंटरनल या SD कार्ड। तो हम कर देते हैं यहाँ पे डाउनलोड बोले तो हम SD कार्ड सॉरी गाइस ये कर लेते हैं, इंटरनल मेमोरी में ही भेजते हैं, फ़ोटो सेव कर लेंगे। तो हम यहाँ पे जाते हैं इंटरनल का बाद यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड, तो हम उस पर कर देते हैं क्लिक। और यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा फाइल सक्सेस रेट डाउन, तो हम यहाँ से ओपन में निकल जाते हैं बाहर। बाहर निकलने के बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, तो हमें सबसे पहले जाना है पिक्सार्ट में। पिक्सार्ट में जाके क्लिक कर देना है, पिक्सार्ट हो जाएगा ओपन। फिर यहाँ पे एक साइड में आपको एक दिखेगा स्किप, तो हमें कर देना है स्किप। और यहाँ पे एक राइट साइड में क्योंकि नेट चालू रहने से ऐसी मुसीबत आती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं, तो हम कर देते रॉन्ग का आइकन दबा देना है। दबा देने के बाद यहाँ पे आपको एक नीचे एक प्लस का आइकन दिखाई देगा यहाँ पे, तो हम उस पर कर देते हैं प्लस। प्लस करने के बाद आप चले जाएंगे इसमें, तो यहाँ पे दिखेगा आपको एडिट फ़ोटो, हमें करना है कुछ जिस तरह का। एडिट फ़ोटो पे क्लिक करना है। एडिट फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद हमें आना है नीचे, समझो आपके पास कोई बैकग्राउंड है या वरना आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो समझो मैं कुछ 1 मिनट समझो मैंने ले ली है ये फ़ोटो। ये यार नेट चालू रहने से ऐसे एडवर्टाइज आते ही रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती इसमें, क्योंकि आपका नेट चालू है। तो ऊपर देखिए ऐसा एक रॉन्ग का आइकन आता है, तो हमें उस आइकन पे करना है कि फिर ये टाइमर भी आ चुका है। तो गाइस ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना, मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं आपने इसमें सुना रहा हूँ बोलकर। तो यहाँ पर रॉन्ग का आइकन दबा देना है हमें ऊपर साइड में, तो मैंने ये फ़ोटो ले ली। तो समझो एक फ़ोटो है, फ़ोटो पे क्लिक करना है। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद आपने जो रिमूव करी है फ़ोटो ले सकते हो, ये रिमूव की वाली है लेकिन मैं ये लेता हूँ। तो हमें इस पर करना है क्लिक करना है ऐड करने के बाद हम इसका साइज़ ऐसे बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के बाद आपको इस तरह का कुछ आइकन खुल जाएगा, तो यहाँ पर देख के साएगा इस राइट साइड में फ़ोटो का दिखाई दे रहा है ऑप्शन, हमें उस पर करना है कुछ इस तरह का। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मेरे इसमें फ़ोटो तो बहुत सारे हैं, फिर इससे फ़ोटो में से आप कोई भी फ़ोटो ले सकते हो। समझ लो मैंने ले ली है ये फ़ोटो ऐड करने के बाद यहाँ पे ऊपर एक आइकन दिखेगा ऐड फ़ोटो, हम कर लेते हैं फ़ोटो ऐड। ऐड करने के बाद साइज़ वो बढ़ा सकते हो, ये देखिएगा ये ऐसा कुछ इस तरह का वीडियो अपलोड कर देना है। तो यहाँ से फ़ोटो सेव हो गया, आप इसको जिस तरह से चाहो उस तरह से एडिट कर सकते हो।